हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल तो आप सभी लोगों ने किया ही होगा, क्यों? एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपने कभी ना कभी हेडफोन जैक या फिर ईयरफोन जैक में एक छोटा सा जो कट है या फिर कह लो रिंग है, उसे ज़रूर नोटिस किया होगा। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर में ये दिया क्यों जाता है, इसका क्या यूज़ है? आप कभी भी ध्यान से देखना, कुछ ईयरफोन्स, कुछ हेडफोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ दो रिंग दिखाई देते हैं, और कुछ ईयरफोन और कुछ हेडफोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको तीन रिंग दिखाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी मिल जाती हैं जहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल रिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक रिंग का मतलब क्या होता है, दो रिंग का क्या मतलब होता है, तीन रिंग का मतलब क्या होता है, और इन सभी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। जी हाँ, और अगर आप मार्केट में कभी भी किसी भी तरह के माइक्रोफोन खरीदने जाते हो, ईयरफोन खरीदने जाते हो, हेडफोन खरीदने जाते हो, तो ऐसे में भैया आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए और आपको चुटकियों में देखते ही पहचान लेना चाहिए कि कौन सा माइक, कौन सा ईयरफोन, कौन सा हेडफोन आपके लिए बेस्ट होगा। सो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी ईयरफोन, हेडफोन और माइक में ये जो रिंग दिया होता है, हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये बस ऐसे ही दिया गया है, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हेडफोन, ईयरफोन, माइक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा इसी तीन रिंग की वजह से काम करते हैं। इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ईयरफोन है, हेडफोन है या फिर कह लो माइक्रोफोन है, वो काम करता है। अगर आपको कभी ऐसा जैक दिखाई दे जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल रिंग दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि वो हेडफोन या फिर कह लो वो माइक्रोफोन एक तरह का मोनो माइक्रोफोन है। अब आप पूछोगे ये मोनो माइक्रोफोन क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जी हाँ, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा माइक्रोफोन है जिससे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई ऐसा माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हो, और उसके जैक में सिर्फ एक सिंगल कट है, एक सिंगल रिंग है, तो इसका मतलब है कि वो जो माइक्रोफोन है सिर्फ मोनो साउंड को ही रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको मोनो ऑडियो के बारे में या फिर कह लो मोनो माइक्रोफोन के बारे में एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा माइक्रोफोन है, यहाँ पर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो और आप यहाँ पर एक एक्सटर्नल माइक का यानी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हो, और उसके जैक में वहाँ पर सिर्फ एक कट है या फिर कह लो एक रिंग है, तो इसका मतलब है कि वो मोनो वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। तो एक बार वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे सुनना, दोनों लीड को या फिर दोनों हेडफोन को कानों में लगा के अच्छे से सुनना, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो ये है कि जो भी वॉइस रिकॉर्ड हुई है वो सिर्फ आपको एक साइड सुनाई देगा, या तो लेफ्ट कान में या फिर आपको राइट कानों में सुनाई देगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी तरह के जैक में अगर आपको वहाँ पर सिर्फ एक रिंग, एक कट दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि वो जो हेडफोन है या फिर कह लो माइक्रोफोन है, वो एक मोनो माइक्रोफोन है, और यहाँ पर वो मोनो ऑडियो को ही प्रोड्यूस करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये जो एक रिंग है वो आपको ज़्यादातर जितने भी माइक होते हैं या फिर कह लो माइक्रोफोन होते हैं, उनमें ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे माइक भी देखने को मिलेंगे जो आपको स्टीरियो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं दो रिंग की तरफ। जी हाँ, आपने मार्केट में कई सारे ऐसे हेडफोन्स, ईयरफोन्स भी देखे होंगे जहाँ पर आपको दो रिंग्स यानी कि दो लाइन या फिर कह लो दो कट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब आप सोचोगे यार इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में बता दूँ, इसका मतलब होता है स्टीरियो। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर आपको एक कट में यहाँ पर आपको मोनो देखने को मिलता था जो सिर्फ आपको मोनो वॉइस प्रोड्यूस करता था, सेम यहाँ पर आपको जो स्टीरियो वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर दो कट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पर जो भी आप अपने हेडफोन, ईयरफोन में जो भी गाने सुनते हो, वहाँ पर आपको जो भी लेफ्ट हेडफोन में, जो भी राइट हेडफोन में आपको जो भी सुनाई देगा, वो सब कुछ आपको इन्हीं दो कट की वजह से सुनाई देता है। जो सबसे पहला कट होता है, जो सबसे पहला पॉइंट होता है, वो आपको लेफ्ट साइड के लिए होता है, यानी कि लेफ्ट ईयरफोन के लिए होता है, और जो दूसरा कट के बाद आता है वो आपको राइट ईयरफोन के लिए होता है। तो यहाँ पर ये दो रिंग्स की वजह से या फिर कह लो ये दो कट की वजह से ही आपको लेफ्ट साइड का साउंड या फिर कह लो राइट साइड का जो साउंड है वो अच्छे से सुनाई देता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी इन दोनों की रिंग की मदद से ही यहाँ पर आपको जो साउंड प्रोड्यूस होता है, आप अपने हेडफोन में, ईयरफोन में जो भी गाने सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, वो सारा का सारा बैलेंस हो पाता है, एकदम बराबर सुनाई देता है, जिसे हम स्टीरियो ऑडियो कहते हैं। तो ये सारा पॉसिबल इन दोनों कट की वजह से या फिर कह लो इन दोनों जो भी रिंग है उनकी वजह से ही आपको सुनाई देता है। तो यहाँ पर स्टीरियो का मतलब होता है कि आपको दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड में साउंड आएगा। दो कट है तो इसका मतलब है कि आपका जो हेडफोन है, ईयरफोन है, वो स्टीरियो है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर मार्केट में कई सारे ऐसे हेडफोन्स, ईयरफोन्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं,
तीन कट्स यानी कि कह लो तीन रिंग्स देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे यार एक कट देख लिया, एक रिंग देख लिया, दो भी देख लिया, दो का मतलब हो गया स्टीरियो साउंड प्रोड्यूस करेगा किसी भी हेडफोन या फिर ईयरफोन में, अब ये तीन का मतलब क्या है यार? तो सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो थ्री कट का मतलब होता है कि जो हेडफोन ईयरफोन आप खरीदने जा रहे हो या फिर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पर आपको स्टीरियो साउंड तो सुनाई देगा लेकिन उसके साथ वहाँ पर आप उस हेडफोन ईयरफोन को एक माइक्रोफोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा स्मार्टफोन में जितने भी ईयरफोन का इस्तेमाल होता है या फिर आपको स्मार्टफोन में जितने भी ईयरफोन मिलते हैं उससे आप अपने फ़ोन में बात भी कर सकते हो। जी हाँ, उस हेडफोन से आप कॉल में किसी से भी बात कर सकते हो तो आपकी जो वॉइस है वो उसे सुनाई देती है। तो यहाँ पर तीसरा जो कट होता है किसी भी हेडफोन ईयरफोन के जैक में वो होता है माइक्रोफोन के लिए यानी कि माइक के लिए। और हमेशा याद रखना जितने भी हेडफोन या फिर ईयरफोन होते हैं जिनके जैक में थ्री कट यानी कि तीन रिंग होते हैं वहाँ पर आपको उस हेडफोन या फिर उस ईयरफोन में कहीं ना कहीं आपको माइक्रोफोन यानी कि माइक का ऑप्शन ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉप पॉइंट होता है वो होता है किसी भी हेडफोन ईयरफोन के जैक में लेफ्ट साउंड के लिए, और उसके बाद एक कट के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है राइट साउंड के लिए यानी कि राइट ईयरफोन के लिए, और जो तीसरा पॉइंट होता है जो कट के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है बेसिकली ग्राउंड के लिए, और इसके बाद जो लास्ट वाला कट आता है वो होता है किसी भी हेडफोन या फिर ईयरफोन में माइक्रोफोन के लिए यानी कि माइक के लिए। तो यहाँ पर किसी भी तरह के हेडफोन या फिर ईयरफोन के जैक में या फिर माइक्रोफोन के जैक में ये जो पार्ट होते हैं हर एक पार्ट का अपना अपना एक यूज़ होता है, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो लेफ्ट साइड साउंड है या फिर राइट साइड का जो भी साउंड है या फिर माइक्रोफोन का जो साउंड है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट हो पाता है। तो इस तरह से जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है हेडफोन जैक है वो काम करता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि एक कट का क्या मतलब होता है, दो कट का क्या मतलब होता है और तीन कट का क्या मतलब होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे दबाना, ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।